world leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है, संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।